जामिया मोहम्मदिया रिजविया तजवीदुल कुरान के बानी मारूफ आलमे दीन अलामा पीर लियाकत अली नक्शबंदी कानवासा, हाजी सदाकत अली का पोता, शराफत अली वकास का बेटा, हाजी अब्दुस्तार का भतीजा, जामिया मोहम्मदिया रिजविया तजवीदुल कुरान के मोहतमिम और प्रेस क्लब जलालपुर जट्टा के जॉइंट सेक्रेटरी कारी मोहम्मद अबू बकर गजाली, कारी रहीक अहमद नक्शबंदी, अतीक अहमद रजा, मोहम्मद उमर जामी, हाजी मोहम्मद उस्मान का भांजा कजाए इलाही से इंतकाल कर गया। मरहूम को उनके अबाई कब्रस्तान नंदपुर जलालपुर जट्टा में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में असूदा हाक कर दिया गया। नमाज जनाजा के मौके पर मारूफ आलमे दीन अलामा मोहम्मद हनीफ जलालपुरी नईमी ने फलसफा मोतो हयात बयान किया, जबकि कारी रहीक अहमद नक्शबंदी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें जलालपुर जट्टा और गिरदो नवा से सियासी, समाजी, दीनी, कारोबारी, सहाफती हल्कों समेत जिंदगी के हर शोबा से तलक रखने वाली शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और कारी मोहम्मद अबू बकर गजाली, कारी रहीक अहमद नक्शबंदी, अतीक अहमद रजा, मोहम्मद उमर जामी और दीगर से इजहार अफसोस करते हुए मरहूम की मगफरत, दर्जात की बुलंदी और लाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। प्रिंस शाहिद भुट्टा, बीबी वन न्यूज, जलालपुर जट्टा।